सत श्री अकाल। सो वड्यां नूं पैरी पहना ते छोटियां नूं मेरा प्यार। सो फाइनली आज आपको कैनेडा की अपडेट दे देंगे। फाइनली अब मैं इंडिया आ चुका हूं। बहुत सारे पर्सन कह रहे थे कि कहां कहां पे गए, तो उसके आने वाले वीडियो में बताए गए, जैसे दुबई, सर्बिया, चेक रिपब्लिक और इस्तांबुल और बहुत सारी जो कंट्रीज में मैं गया था, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और वहां की इमिग्रेशन के बारे में बता दूं। सो फाइनली आज आपको बताएंगे कनाडा के रिजल्ट के बारे में, और साथ में बहुत सारे पर्सन पूछ रहे हैं कि कनाडा की फ्लाइटें कहां कहां से चल रही है, डायरेक्ट फ्लाइटें कहां से है, और हम वाया जाना चाहते हैं तो चीपेस्ट फ्लाइट हमें कहां से मिलेगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। तो फाइनली आज तुहानू फुल इन्फॉर्मेशन दवांगे कनाडा रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनके वीजे आ चुके हैं, वो जाना चाहते हैं लेकिन फ्लाइटें काफी एक्सपेंसिव है, और सबसे मेन चीज जिनका वीजा नहीं आ पा रहा है ना, तो बहुत टाइम से अप्लाई करा हुआ है, किसी को 3 मंथ हो गया, किसी को 6 मंथ हो गया, किसी को 1 ईयर प्लस हो गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी आपको सबको बताए। तो सबसे पहले तो मैं गुड न्यूज दे देता हूँ, 2 डेज में कनाडा का वीजा अप्रूवल हो गया। ये देखिए गाइज, तो मैंने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट हुई क्लाइंट की अपॉइंटमेंट होने के बाद देन 2 डेज के बाद उसको सबमिशन की रिक्वेस्ट आ गई, अपना पासपोर्ट सबमिशन कराओ। और जैसे मैंने क्लाइंट को बताया था, वो क्लाइंट काफी खुश हुआ और उसको यकीन भी नहीं हो रहा था, हाँ सच्ची में मेरा वीजा लग चुका है, क्योंकि ये शॉकिंग मोमेंट है सबके लिए, क्योंकि 2 डेज में कनाडा वीजा अप्रूवल कर रहा है आफ्टर बायोमेट्रिक। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, कनाडा ने अपना प्रोसेस फास्ट कर दिया है। तो आपने कनाडा का वीजा लगाना है तो बिल्कुल लगा लो, आपने कनाडा का वीजा लगाना है तो लगा लो, यही सही टाइम है कनाडा का वीजा लगाने का गाइस। तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुकी है कनाडा के लिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। तो आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, अब आने वाली वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सारी कंट्रियों की। अब फाइनली इंडिया में आ चुका हूं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आया तो जस्सी पंजाबी को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, फॉलो करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मोटिवेट होते रहता हूँ, तो डेफिनेटली ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। कि वीजे क्यों लेट हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने जो नया पोर्टल निकाला है ना, तो वो सबके लिए निकाला है, ऐसा नहीं है स्पेशल वो पीआर के लिए, स्टूडेंट के लिए कोई इमरजेंसी है, उन्होंने साफ बोल दिया है। यह पोर्टल में अपनी फाइल अपनी लॉगिन कराई है, जिन्होंने पुरानी अपनी फाइल लॉगिन कराई थी तो या वो वेट कर सकते हैं, अब उनको ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आप विड्रॉ करने के बाद नए पोर्टल में अपनी फाइल प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि नए पोर्टल में फाइल के रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फॉलोवर है उनको मेरे पास मैसेज आया कि हाँ सर हमारे भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो आप इस चीज के लिए एक स्पेशल एक वीडियो बनाओ और लोगों को बताओ कि न्यू पोर्टल में रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं और काफी जल्दी आ रहे हैं गाइस। तो आपने अभी वीजा लगाना है कनाडा का तो यही सही टाइम है, क्योंकि मई जून का आप उनको दिखा सकते हो, अप्रैल का दिखा सकते हो मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, या आप सिंगल भी अप्लाई कर सकते हो, या आपका कोई फ्रेंड वगैरह साथ में जाना चाहता है, आपका कोई ग्रुप बन जाता है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, फैमिली के साथ अप्लाई करोगे या कपल अप्लाई करोगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि मार्च के बाद वहां पे मौसम खुल जाता है, स्नो नहीं पड़ती है, वेदर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, तो बहुत सारे पर्सन वहां पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपना वेकेशन मनाते हैं, तो यही सही टाइम है अपना वीजा अप्लाई करने के लिए गाइस। और साथ में मैं बता देता हूँ फ्लाइटें कौन सी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन के मेरे पास मैसेज आया कि फ्लाइटों के बारे में बताओ जी, हमें डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं मिल पा रही, वो क्यों नहीं मिल पा रही, लिमिटेड डायरेक्ट फ्लाइटें चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे फ्लाइटें बहुत ज्यादा अब वो इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए हैं इंडिया में, तो उसके कारण फ्लाइटें बहुत ज्यादा वो बढ़ा देंगे, क्योंकि काफी रश हो रहा है। और सबसे अच्छी गुड न्यूज है कनाडा ने फाइनली बोल दिया, अब आपको वहां पे कोई क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, अब वहां पे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके जाओ, इंडिया से जा रहे हो या वाया कोई थर्ड कंट्री से जा रहे हो, देन वहां पे कोई क्वारंटीन नहीं है, सब क्वारंटीन खत्म गाइस। बाकी आप एयरलाइन से कंसर्न जरूर कर लेना, क्योंकि हर कंट्री से अलग अलग रूल्स है उनके, तो आप वाया कई कंट्री से जा रहे हैं तो वो कनाडा के लिए उनके क्या रूल्स है, एयरलाइंस के क्या रूल्स है, तो सारी कंफर्मेशन करने के बाद देन उसके बाद ही आप कंफर्म करना। और बाकी आप फ्लाइट वगैरह के बारे में कोई भी कंफर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कौन कौन सी डेट में आप जाना चाहते हो, वाया कौन सी कंट्री से जाना चाहते हो, कौन सा चीपेस्ट रूट देख रहे हो, तो सबके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले रूट है कनाडा जाने के लिए वाया श्रीलंका, तो बिल्कुल आप वाया श्रीलंका से भी जा सकते हो। सेकेंड रूट है बैंकॉक, तो बैंकॉक का भी वीजा लेके वाया बैंकॉक से आप जा सकते हो। थर्ड रूट है सिंगापुर, तो वाया सिंगापुर का भी वीजा लेके जा सकते हो, और यहाँ पे कोई क्वारंटीन नहीं है, तो क्वारंटीन फ्री कर दिया उन्होंने, बस आपको क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑनलाइन, अप्रूवल लेने के बाद वहां जा सकते हो, और उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट रूट है यूएई का,
तो आप अबू धाबी से भी जा सकते हो, ध्यान एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है, या एमिरेट्स से भी जा सकते हो, वाया दुबई से भी कनाडा आप जा सकते हो। और इसके अलावा आप रशिया से भी ट्रैवल कर सकते हो, काफी चीपेस्ट फ्लाइट आ रही है रशिया से। और बहुत सारे पर्सन कह रहे थे कि रशिया का हम ट्रिप बनाना चाहते हैं, वाया से हम कनाडा भी जाना चाहते हैं, तो आपके पास कनाडा का वीजा तो वाया रशिया भी आप चले जाओ, क्योंकि इस टाइम रशिया की फ्लाइट है काफी चीपेस्ट इंडिया से। और साथ में आप सर्बिया से भी फ्लाइट ले सकते हो, वहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बता रहे हैं, जिसके पास अमेरिका का वीजा है डेल्टा एयरलाइंस ऑपरेट हो रही है, वाया अमेरिका से जाओ। और जिसके पास यूके का वीजा या यूके का ट्रांजिट वीजा भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैनेडा का वीजा है तो आप वाया लंदन जाना चाहते हो तो लंदन से भी ऑप्शन ले सकते हो। लंदन का ऑलमोस्ट 3 to 5 वर्किंग डेज में आप ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो। और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो गाइज। और बाकी आपको बता देता हूँ, इस टाइम कैनेडा के लिए अपने फाइल प्रोसेस करनी है तो सही टाइम है। और बाकी उसके लिए गुड न्यूज है, आप अपनी फाइल प्रोसेस करो, रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। और बाकी जिन्होंने पीआर अप्लाई करनी है तो वो पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस टाइम लग रहा है। बाकी होपफुली जैसे कोविड की सिचुएशन सही चलती जाएगी तो और अच्छे इंक्रीज रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कनाडा के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन पूछते हैं कि हमारे पास स्पॉन्सर है या हम होटल बुकिंग से जा सकते हैं, हम अपना प्लान कर सकते हैं, आपके पर्सन का कैसे रिजल्ट आ गया इतनी जल्दी। तो मैं आपको बताता हूँ, उसकी कोई स्पॉन्सर नहीं थी मेरे क्लाइंट की, हमने होटल बुकिंग से कंफर्मेशन ली थी, ऑनलाइन हमने होटल बुकिंग करी, उसके थ्रू हमने उनका पैकेज दिखाया, 10 to 15 days का हमने पूरी आइटनरी बनाई, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा। कवरिंग लेटर सबसे मेन होता है, जिसमें आप डे बाय डे अच्छे से उनको दिखा सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि हर कंट्री का ना एक ही डाउट है, कनाडा या कनाडा का वीजा है, ऐसा तो मिलता नहीं है। तो आप क्या कवरिंग लेटर अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना, 3 to 4 pages का बनाओगे, उसमें अच्छे से उनको सेटिस्फाई कर दो जी मेरा इंडिया में बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है और क्या आप करते हो, क्या आपकी टर्नओवर है, और इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पे वहां पे घूमने के लिए जाओगे, और कौन सी आपकी फेवरेट प्लेस है, और कितने टाइम से उसको आप फॉलो कर रहे हो, और कितने टाइम से प्लान कर रहे हो जाने का, और उसके बारे में सर्च कर रहे हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अच्छे से अपनी आइटनरी बनाओगे ना, तो वीजा आने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। बाकी कनाडा के रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी वीजा अप्लाई करने के लिए, या बायोमेट्रिक की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी न्यू दिल्ली या और अदर सिटीज में विद इन 1 week में, तो उसके लिए भी आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे वो आप करा सकते हो। तो कैसे वो अप्रूवल ले सकते हो मेल के थ्रू, कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए जस्सी पंजाबी आपको ऑलवेज सपोर्ट करता रहेगा। आते हुए मेरे चैनल को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना। तो फाइनली बहुत दिन बाद वीडियो फाइनली आ चुकी है, अब आपको डेली बेस में इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलेगी, क्योंकि अब मैं फाइनली थक चुका हूँ ट्रैवल करके, तो आपको क्या डे बाय डे की इन्फॉर्मेशन देते रहेगी, अभी क्या रिसेंटली न्यू अपडेट आती रहेगी वीजा के रिगार्डिंग या फ्लाइट्स के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। आपका अपना जस्सी पंजाबी, सत श्री अकाल।